आज 14 अक्टूबर 2014 है, 14 अक्टूबर 2014 है। इस समय आज कल से झमाझम हल्की हल्की 24 घंटे बारिश हो रही है, प्रलय का रूप है इस समय। अब रहा नहीं गया कि अब हम ओढ़ के बैठेंगे तो देखा कुछ, इस मौसम में किसी भी पेड़ को हम हटा बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। हमने कहा अभी आखिरी मौसम है, जाड़े में ऐसे भी पेड़ नहीं लगता है, तो उसी पेड़ की कटाई ऊंचाई में लगे थे। फिर देखा वहाँ बंदर वहाँ चिल्ला रहा है, उसको यहीं लाने जा रहे हैं, जो इलाज के दौरान हमारे यहाँ आया था। एक समस्या दिखा रहे हैं कि 76 साल की उम्र, जाड़े में थोड़ा बहुत तो भीगना पड़ेगा, कहाँ तक हम छाता लगा के कोई काम तो नहीं कर पाएंगे। तो बंदर को लाएंगे यहाँ बांधेंगे, उसके बाद एक पेड़ को कटाई करेंगे, उसका सीन देखिए। तो मतलब पेड़ पौधे पशु पक्षी की सेवा जो है वो एक तपस्या है, और बिना कठोर तपस्या करे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। और वो पेड़ लगाना और बातें करना लंबी चौड़ी, तो बड़ा हमको टीवी में हम देखते हैं, हमें कल MN TV में NN MN क्या है उसमें देख रहे, तमाम धर्म गुरु बैठे, तमाम धर्म गुरुआई बैठी। इनसे पूछा जाए, आपने कुछ किया भी कि केवल आप बकना जानते हैं? अरे बकना तो 10 रुपये की CD भी जानता है, 10 रुपये की CD में दुनिया भर का ज्ञान ले लो। कुछ आदमी को, मनुष्य को करना चाहिए, तभी तो आप मनुष्य हैं, पहले मनुष्य तो बनो। तो यही सब देखते हैं TV वालों को, सोचे कि हमारे पास कोई नंबर नहीं, उनसे कहा महाराज जी क्या नाटक करते हैं, अरे ऐसे धर्म गुरु को बुलाओ जिसने जीवन भर कुछ किया हो, उससे सवाल करो वो बताएगा। हम शंकराचार्य के पक्ष में हैं, क्यों पक्ष में है वो हम बाद में बताएंगे। चलाते तुम आराम से सबको लकड़ी के ऊपर पत्ती दे दी, पत्ती खाओ, पत्ती चबाओ, ये धीमे धीमे बारिश है, मौसम में ठंडक है, लेकिन